जो रहम फरमाने वाली ज़ात हो उसे रहीम कहते हैं, और जिस पर रहम किया जा रहा हो उसे मरहूम कहते हैं। उलमा इस आयत मुकद्दसा के तहत ये ज़िक्र करते हैं कि रहीम मरहूम पर रहम तब कर सकता है जब चार ख़ास चीज़ें रहीम में पाई जाएं, तो रहीम मरहूम पर रहम कर सकता है। वो ख़ास चार चीज़ें ये हैं कि रहीम मरहूम की तकलीफ़ से बाखबर हो, कि मरहूम को तकलीफ़ किस अंदाज़ की है, मरहूम के इल्म में हो, रहीम के इल्म में हो कि मरहूम को क्या चाहिए। एक सबसे पहली बात कि रहीम के इल्म में मरहूम का हर दुख होना ज़रूरी है। अगर रहीम नहीं जानता तो उसके बगैर रहीम रहम नहीं कर सकता। इसको एक छोटी सी मिसाल से समझ लेते। कोई दोस्त भी यहाँ पे कहता है आप मुझ पे रहम कीजिए, मेहरबानी कीजिए, मुझ पर आप मेहरबानी थोड़ी सी कीजिए, मदद कर दीजिए। बार बार रहीम ये पूछेगा, मैं पूछूंगा बताओ कौन सी मदद चाहिए, कैसा रहम चाहिए, कौन सी मदद तुम्हें दरकार है। वो जब तक ये नहीं बताता मुझे फलां मदद दरकार है, उसके बताए बगैर रहीम मरहूम पर रहम नहीं कर सकता, मेहरबानी नहीं कर सकता। अल्लाह ने महबूब को कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहीम बना के भेजा है, गोया के रब ने कुरान में ये कर कह के हुजूर को भेजा है, रब ने ये शान दे के हुजूर को भेजा है कि महबूब तुझे इस जहान में भेज रहा हूं, इस जहान के हर दुखी के, हर मुसीबत ज़्यादा की, हर परेशान के दुखों को, तकलीफों को आप जानते भी हैं, और आप हर किसी की दुख और तकलीफ को दूर करने की ताकत भी रखते हैं। इल्म के साथ साथ जिंदा होना भी जरूरी है। अगर जिंदा नहीं है तो फिर भी रहम नहीं किया जा सकता। कोई मुर्दे के पास आकर कहता है भाई मेरी तकलीफ को दूर करो, साथ पास ही एक लाश लेटी हुई, मुझ में मेहरबानी करो, मैं फंसा हुआ भंवर में हूं। वो खुद ही मोहताज है दूसरों का, तेरी क्या मदद करेगा। मदद करने के लिए जिंदा होना भी जरूरी है, मेहरबानी करने के लिए जिंदा होना भी जरूरी है। कायनात के हर जर्रे के लिए रब ने महबूब को राहिम बना के भेजा, गोया के कुरान ने यह शान भी दी, रब ने यह भी साथ कुरान के अल्फाज में यह बात जम करके लोगों तक पहुंचाई, लोगों हुजूर को मुर्दा गुमान भी ना करना, हुजूर कायनात के हर फर्द के लिए राहिम है, रब ने हुजूर को क़यामत तक के लिए जिंदा बना के भेजा है। और तीसरी बात यह है राहिम मरहूम के करीब भी हो, राहिम मरहूम के करीब ना हो तो राहिम रहम नहीं कर सकता। जब तक कुर्बत ना पाई जाए किसी सूरत भी मेहरबानी नहीं की जा सकती। इसको भी आसान लफ्ज़ों में हम समझते हैं, आसान बात में भी समझ लेते हैं। एक आदमी कहता है किसी दूसरे साहिब से कि मुझ पर दुश्मन हमला कर रहा है, जल्दी पहुंचो। आजकल इस बात को समझना मुश्किल नहीं, दरवाजे के करीब खड़ा है जिससे मदद ले रहा है, भाई बात सुनो जल्दी आओ, मुझ पर मेहरबानी करो। यहाँ पे उसकी गर्दन पर किसी ने गोली रखी हुई है, फायर रखा हुआ है कि मैं तुझे फायर लगा दूँ। अब दरवाजे से यहाँ तक आते हैं भी इतना पास, चंद कदमों के फासले पे, चंद कदमों के फासले पे देख भी रहा है, जिंदा भी है, इलम भी है, वो जान भी रहा है कि वो दुख में है, मुसीबत में है, और जिंदा भी है, देख भी रहा है, इलम भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके करीब आते आते ही वो फायर चला देगा, गोली चला देगा, उसकी मेहरबानी नहीं की जा सकती। जब तक उसके बिल्कुल करीब ना हो, रब ने कुरान में यह शान भी देकर भेजी, मोमिनों घबराना नहीं, महबूब तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। रब ने महबूब को आम महबूब नहीं बना के भेजा, तुम्हारे जानों से भी ज्यादा करीब रब ने शान देकर महबूब को भेजा है। और चौथी बात उलमा जिक्र करते हैं कि इख्तियार का होना भी जरूरी है। अगर इख्तियार ना हो, अगर इख्तियार ना हो तो रहम नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता, मेहरबानी नहीं कर सकता। उसको भी हम दुनियावी मिसाल से ही समझ लेते हैं। देखिए आजकल के मसाइल उलझे हुए हैं। कोई बंदा कहता है मेरा काम कीजिए, वो कहता है मुझसे नहीं हो सकता, उस्मान मुजदार से करवाइए, वो कर दो। उस्मान मुजदार का भी अगर कोई काम फंसा हो गया, मुझसे नहीं होता, भी ऊपर से बड़े जो है ना वो करेंगे तो काम होगा, मेरे इख्तियार में नहीं है। कभी कभार ऐसा भी होता है वज़ीर आज़म साहब भी कह देते हैं हमारे इख्तियार में नहीं, ऊपर डोरें ऊपर चल रही हैं, उनके हाथों में है। गोया के काम करने की सलाहियत तब पैदा हो सकती है जब इख्तियार हो। अगर इख्तियार नहीं
تو کسی طرح کی بھی مدد نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے قرآن میں آیت تو ایک یہ بھیجی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس کے ضمن میں رب نے چار یہ خاص شانیں دے کر بھیجا ہے۔ رب نے فرمایا محبوب سارے امتیوں کے آپ قریب بھی ہیں، آپ زندہ بھی ہیں، ہر کسی کے دکھوں کو جاننے والے بھی ہیں، اور رب نے ہر دکھ کو دور کرنے کا آپ کو اختیار بھی عطا فرما دیا ہے۔